मेरा नाम वानी है। 26 साल की हर इंडियन लड़की की तरह मेरे भी रोमांटिक ड्रीम्स हैं, जो बॉलीवुड मूवीज और हॉलीवुड फेरी टेल्स पर बेस्ड हैं। एक राजकुमार आएगा और मुझे दुनिया के इस शोर से कहीं दूर ले जाएगा, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा राजकुमार राजकुमारी भी हो सकती है। नहीं, मैं लेस्बियन नहीं हूँ, मुझे हमेशा से लड़के पसंद थे, थैंक्स टू द बॉलीवुड मूवी वायरिंग इन माय ब्रेन। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। पर एक दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड जानकी, मेरी जूजू के साथ एक अनएक्सपेक्टेड सी मोमेंट हुई। एक रोमांटिक सी बॉलीवुड मूवी देखते हुए जब हमने एक साथ पॉपकॉर्न के बोल में हाथ डाला और वो जिस तरह ब्रश हुआ, तो बटरफ्लाइज वाली फीलिंग्स हुई जो मुझे कभी नहीं हुई थी। लेकिन मेरी अट्रैक्शन लड़कों को लेकर कम नहीं हुई, कभी किसी हॉट लड़के को देखती तो अंदर से सीटी बज जाती थी। फिर किसी क्यूट लड़की को देखती तो दिल में हलचल भी मच जाती। क्या मुझे लड़का और लड़की दोनों पसंद थे? Am I bisexual? इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनने की जर्नी बहुत मुश्किल थी। टू ब्रेक ऑल द बॉलीवुड नॉर्म्स एंड टू एक्सेप्ट कि मुझे प्यार इंसान से होता है, उसके जेंडर से नहीं, ये एक्सेप्ट करना आसान नहीं था। और अगर मेरे लिए ये आसान नहीं था तो सोचो मेरी इंडियन मॉम, जिन्होंने हमेशा से सिर्फ घर संभाला है, उनके लिए ये समझना कितना मुश्किल होगा। पर शायद अब वक्त आ गया है कि मैं उन्हें अपने बारे में बता दूं। 26 साल की हो रही हो, शादीवादी के बारे में सोचा है, कोई ढूंढा है तुमने? अरे चलो, हमें कोई लड़का वड़का है या फिर हम ढूंढें किसी को, है? तुम ना बचपन से बहुत समझदार रही हो, पापा के जाने के बाद घर का सारा खर्चा तुमने कितने अच्छे संभाल लिया। एक काम करो, एक समझदारी का और काम कर लो, अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो। भाई तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में कोई ना कोई तो होगा। देखो तुम्हें तो पता है हम बहुत मॉडर्न ख्यालों के, तुम जिसे लाओगी हम उसे अपना लेंगे। हाँ, और अगर नहीं की हो, अरे छोड़ो इसको, आओ बंद करो, चलो ये लो पकड़ो। हम क्या कह रहे थे कि अभी तक अगर तुम नहीं ढूंढी हो तो हमारी नजर में एक लड़का है, बहुत ही अच्छा है। तुमको पता है ये शर्मा जी का जो चचेरा भाई है उसका नाती है, हम 2 दिन पहले मंदिर गए थे ना, हाँ, तो हमको वहीं पर मिल गया। अरे भैया छूटते से हमारे पैर पकड़ लिए, बोला प्रणाम, हम तो पगला गए। हमने कहा भैया स्वीट भी है, संस्कारी भी, जो पता किए तो पता चला। अगर हमको लड़कियां पसंद हो तो है? तुम लसानिया हो? लसानिया मतलब वही जो लड़की लड़की प्रेम। हे भगवान, तुम एलजी टीवी हो? एलजी टीवी नहीं, LGBTQ। और नहीं, मैं लेस्बियन नहीं हूँ, मैं बाय हूँ। बाय टू यू टू। हम जब भी शादी के बारे में बात करते हैं तुम ये बाय बोल के हमारी बात ही टाल देती हो। ये बाय वाला बाय नहीं है, ये बाइसेक्सुअल वाला। तुम सेक्सुअल हो? मतलब सब कर लिया है तुमने? हे भगवान, हम कहाँ चूक गए भगवान। मम्मी LGBTQ वाला बाय है? अब ये क्या होता है? अच्छा, बाय का मतलब कि तुमको गर्ल्स और बॉयज दोनों पसंद। अच्छा, कंफ्यूजन है तुम्हें। अच्छा बेटा, इसका एक बात बताओ, सिम्टम क्या होता है? मतलब चक्कर आता है, सुबह पेट वेट साफ होता है ना तुम्हारा? नहीं, ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। मतलब दिमागी प्रॉब्लम है ये? हाय राम, वो क्या कहते हो तुम लोग, वो #hashtag मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है? छोड़ो यार। अरे भाई सुनो, हम तो हमेशा इनके आसपास रहते थे, कब हो गई ये बीमारी बताइए सर? आप भी हमको सिखा के नहीं गए ना, अम्मा ने हमको सिखाया, अब नई नई चीजें सीखनी पड़ रही है हमको। हम जाकर पूछ ही लेते, हमें नींद नहीं आ रही है। वाणी वाणी उठो बेटा। अरे बेटा, तुम्हारी इस बात ने हमको बहुत कंफ्यूज करती है। आप कंफ्यूजन की वजह से इतना टेंशन हो गया कि हमको रात को नींद नहीं आ रही। क्या नई बीमारी लगा ली है तुमने? मम्मी यार। अच्छा ठीक है, बीमारी नहीं। अरे बेटा हमारी बात तो सुनो, सुनो सुनो, देखो देखो बेटा, अगर तुम लसानिया होती, लेस्बियन, हाँ मतलब अगर होती
तो सुनो, हमको एक्सेप्ट करने मुश्किल होता, लेकिन हमें समझ तो आता कि है क्या। भैया ये टाटा तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। टाटा? अरे बाय का हिंदी टाटा। मम्मी इट्स बाय, बी आई, ओके, एल जी बी टी क्यू, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस। क्यों तुम क्यों कर रही हो ऐसा? हमको सिर्फ इतना बता दो, तुम दामाद ला रही हो कि बहू ला रही हो, बस बता दो। बाय। कौन सा वाला, बी आई वाला या बाय वाला? बी बाय ई बाय। तो बताइए कितनी बदतमीजी के पराकाष्ठा पा रहे हैं भैया। यहाँ हम टेंशन में आंखों के नीचे गड्ढे होने, लड़की को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सुनो बाय, और लाइट खुदा ही बंद कर लेना। सुनो, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम तुम्हें बाय नहीं बनने देंगे। मम्मी आपको क्या लगता है, ये आपके या मेरे हाथ में कि मैं बाय बनूं या स्ट्रेट बन जाऊं? इट्स नेचुरल मॉम, ये सब कुदरती है। तुम आप कुछ कर सकती हो ना मैं? सुनो, एक काम तो कर सकते हैं ना, ये जो बात है ये अपने बंधु बांधव, पड़ोसी और दोस्तों से कहने की क्या जरूरत है, अपने तक ही रखो इस बात को है? और दूसरी बात, शादी से पहले तुम्हें जितनी मनमानी करनी है तुम कर लो, और हमें भगवान से जितनी मन्नतें मांगनी है हम मांग लेंगे, ठीक है? हे भगवान, शादी के समय हमारी बिटिया को लड़के से प्यार करवा दीजिएगा, ताकि सबके सामने हम लोग अब नॉर्मल ना लगे। बस यही मांग रहे हैं आपसे हम। आपको क्या लगता है मैंने ये प्रेयर्स नहीं करी? जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ, मैंने भी कोशिश करी ये सब अपने दिमाग से निकालने की मम्मी, पर नहीं निकाल पाई। लेकिन अगर आप यही चाहती हो कि मैं समाज के सामने एक्टिंग करूं, स्ट्रेट होने का नाटक करूं, तो यही सही माँ। मैं किसी को पता नहीं लगने दूं, किसी को क्या, मैं खुद को महसूस तक नहीं होने दूंगी मम्मी। फीलिंग्स को कैसे मारना है, ये वैसे भी इंडियन पेरेंट्स और रिलेटिव ना चाहते हुए भी सिखा तो देते ही है ना। लेट हो रही है, चलो मैं चलती हूँ। कुछ नहीं, हम रखते हैं। अरे पंडित जी, ये कहकर ना आपने हमारे दिल का बोझ ही हल्का कर दिया है। चलिए अच्छा हुआ उपाय तो निकला। देखिए हमारी इकलौती बच्ची है, उसको ठीक करने में जितना भी पैसा लगेगा हम लगा देंगे, आप चिंता ना कीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, तो हम जितना पूजा विधि आप बताए हैं हम उस हिसाब से सब करवा लेंगे। जी 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 ठीक है, तो हम ये सब खत्म करके आपको फिर फोन करते हैं। हाँ प्रणाम प्रणाम। जी 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 प्रणाम। हे प्रभु हे प्रभु, उपाय तो निकला। बेटा सब बढ़िया हो गया, हम सारा इंजाम कर लिए। सुनो सुनो सुनो, हमारी बात पंडित जी से हुई, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है ना उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। वो क्या है कि तुम्हारा जो कुंडली है ना उसके अंदर दोष है। तो उन्होंने कहा कि 4 कुत्ता, 3 बिल्ली और 6 गाय और 2 कबूतर को खाना खिला दीजिए, दोष का निवारण हो जाएगा। दोष? हाँ, तुम्हारी कुंडली में दोष है बेटा। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि एक बार पूजा विधि पूरी हो जाए बस, उसके बाद लड़का शादी और हम नॉर्मल। माँ हाँ? आपका जो मन करे आप वो करवाओ। अब आप चाहे मुझे सपोर्ट करो या ना करो, मैं तो आपको हर चीज में सपोर्ट करूंगी ही ना। जब मैं फ्रेश अप होके आती हूँ, ठीक है? तो भैया सपोर्ट ही तो कर रहे हैं हम, और क्या कर। अरे सुनो, शहर में गाय कहाँ ढूंढने जाएंगे हम अकेले, चलो गाय ढूंढने। और क्या सपोर्ट करें हम, मतलब तो बहुत थक गए भैया हम। चलो सब कुछ अच्छे से हो गया। देखो बेटा, अगर अभी तुम्हें बदलाव नहीं महसूस हो रहा है तो घबराने कोई बात नहीं है। पता है पंडित जी कहे थे बहुत जल्द तुमको बदलाव नजर आएगा। अच्छा सुनो, मैं काम करते हैं, विक्की को बुलवा लेते हैं। भाई परेशान होने क्या जरूरत है, हम बिना फादर मदर के बुलाएंगे तुम पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। मिल लो, देखो कैसा लग रहा है, क्या पता तुम्हें बदला बदला लगने लगे जैसे पंडित जी बोले थे, हैं? है ना? पानी लेकर आ। लो बता, इतना उदास चेहरा बनाया हुआ, इतना सब कुछ हम किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए कर रहे हैं?
हम विक्की को फोन ही कर लेते हैं। हेलो विक्की बेटा। हाँ यार तो मैं क्या करूँ, हाँ घर से भाग जाऊं, माँ से बात करना बंद कर दूं, लड़ाई कर लूं उनसे। डैड के जाने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा रहे हैं यार। ठीक है घर पे मैं पैसे लेके आती हूँ, लेकिन माँ ने ही सब कुछ संभाला है। जहाँ वो कूल भी नहीं होती, वो कम से कम समझने की तो कोशिश करती हैं। और वैसे ही हमें भी समझना पड़ेगा। मुझे खुद 2 साल लगे अपने आप को एक्सेप्ट करने में, मॉम भी अपना खुद का टाइम लेंगी, एंड उन्हें पूरा हक बनता है इसे अपने हिसाब से समझने का। आई एम तो जस्ट ग्लैड कि उन्होंने इस पूरी चीज के ऊपर मुझे अभी तक घर से बाहर नहीं निकाला है, डिसओन नहीं किया है, इतना ही काफी है। तो पूरी जिंदगी झूठ की जिएगी। हमारे घर वाले बहुत प्रोग्रेसिव हैं। शादी के बाद आपको जॉब करना अलाउ कर देंगे। अलाउ? हाँ हाँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आप बस कोई ऐसा जॉब देख लो जिसमें आप दोपहर तक घर पे आ जाओ। जैसे? जैसे कि कोई स्कूल टीचर हो गया, या ट्यूशन टीचर हो गए, या कोई आपकी हॉबी वाला हो, या फिर वर्क फ्रॉम होम देख लो। जी वैसे आपको अलाउड है ऑफिस से घर शाम को वापस आना? अलाउ? अब ये कोई कंपैरिजन थोड़ी ना है। मैं काम आऊंगा और फिर आपको घर का काम भी करना होगा, मैं भी हेल्प करूंगा, मैं भी काफी प्रोग्रेसिव हूँ, मैं सुबह की चाय बना दिया करूंगा, लेकिन उसके बदले आपको मेरा कहा मानना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि जब मैं शाम को घर पे आऊँ ना, तो मेरी बीवी एकदम साड़ी पहन के, गहने पहन के, तैयार होकर, मेकअप करके बैठे। मुझे भी अच्छा लगेगा ना कि मेरी बीवी मेरे लिए तैयार हो रही है, मेरे लिए गर्म गर्म खाना बना रही है और गर्म गर्म रोटी अपने हाथों से बना के मुझे खिला रही है। साड़ी और गहने पहन के? हाँ मतलब आज के लिए लड़कियों को इतना आदत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको 4-5 महीने में आदत हो जाएगी। जी जी मैं बिल्कुल समझ गई। आपने अब मुझसे अपनी दिली तमन्नाएं बयान की हैं, तो मेरा भी मन है मैं आपको कुछ अपने बारे में बताऊं। क्या मतलब तुम बाय हो? मतलब लड़का लड़की तुम्हें दोनों पसंद है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अब नॉर्मल हो तुम? अब नॉर्मल? ये वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है तुम लोग जैसी लड़कियों पर। क्या हो रहा है भाई? आइए माता जी, आपको सब पता था इसके बारे में क्या, कि आपकी बेटी अब नॉर्मल है, कि उसको बीमारी है, उसके मन में ऐसे अश्लील गंदे गंदे विचार आते हैं? अरे कहीं डॉक्टर के पास जाके इलाज कराइए इसका, वरना जिंदगी भर घर में बैठी रहेगी। मेरे जैसा सही लड़का मिलना नामुमकिन है इसे। कोई जादू टोना या डॉक्टर के पास लेके जाइए इसे। छी छी छी, जाहिल गवार कहीं की, शरीर में इतनी गर्मी है इसके, इसको कोई भी चलेगा, लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता। छी माता जी, मुझे पता है आपको इस बारे में सब कुछ पता नहीं होगा, वरना आप मेरे जैसे ग्रेजुएट लड़के से अपनी इस अबनॉर्मल बेटी की शादी की बात कभी नहीं करते। सुनो भी चपड़ गंजू, तब से बके जा रहे हो, बके जा रहे हो। तुम्हें किसने हक दिया हमारी बेटी को अबनॉर्मल कहने का? आईने में शक्ल देखी है तुमने? सुनो, वो जो चाइनीज वाली बड़ी लालटेन नहीं होती है, उसको लेकर भी तुम ढूंढोगे ना पूरी दुनिया में, तो हमारी बिटिया जैसी लड़की नहीं मिलेगी तुम्हें। और सुनो भे, वो अपने पांव पर खड़ी है, समझे? तुम्हारी तरह नहीं, जो अपने बाप के गल्ले पे बैठकर बिजनेस करने का ढोंग करते हैं। हमारी बेटी को जो सेक्स पसंद होगा वो उसके साथ जाएगी, उसका जीवन है, वो जो करना चाहे करेगी। तुम होते कौन हो बोलने वाले? यहां से निकलो वरना हम तो एक कचौड़ी तल देंगे। चल निकलो यहां से, निकलो यहां से। हमारी गलती थी कि हम ऐसे जाहिल को अपने घर लेकर आए। आपको क्या हो गया? आपका मन कैसे बदल गया? मुंह तोड़ देते हम उसका। अच्छा अच्छा, आराम से, ये लो पानी पियो। सच बता रहे, उसके मुंह से तुम्हारे लिए हमने जब अबनॉर्मल सुना ना, हमारा सर भन्ना गया। मन क्या तमाचा लगा दे कान के नीचे उसको। शांत, एहसास हुआ बेटा कि हम भी तो इतने दिनों से तुमको यही कह रहे थे, इतनी तकलीफ हो रही होगी तुमको, गलत कर रहे थे हम। बात आई एम सॉरी बेटा। देखो बेटा,
हम सच कहें तो हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात तय है कि तुम चाहे कुछ भी हो, तुम गेज हो या लसानिया हो या फिर तुम बाइसेक्सुअल्स हो, हम तुमसे हमेशा प्यार करेंगे और हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में खड़े रहेंगे, समझी तुम? अच्छा एक बात बताओ, ये जो लड़का कह रहा था कि ये सब वेस्टर्न कल्चर का असर है, तो ऐसा है क्या? चलो हम आपको एक बात बताते हैं। हाँ बता। आपको पता है LGBTQ जो है ना, ये इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का कितना बड़ा हिस्सा है? खजुराहो, खजुराहो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और सिर्फ खजुराहो नहीं, उस तरह की और भी जगहें हैं। वो तो जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने आके LGBTQ को एक क्रिमिनलाइज कर दिया, उन लोगों के दिमाग में उसे क्राइम का नाम दे दिया। अच्छा, एक सेकंड, हमको याद आया, हम कोणार्क गए थे, वहां पे भी तो है। सी, एग्जैक्टली। अच्छा बेटा, हमको एक बार समझाओ कि ये बाइसेक्सुअल होता क्या है। माँ, बाइसेक्सुअल वो होता है जो प्यार जेंडर देख के नहीं करता, उसे बस प्यार हो जाता है, फिर वो चाहे लड़की हो या लड़के से हो, मतलब किसी से भी। अच्छा तो एक बात बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है? नहीं मम्मी, हम सिंगल यार। लो बताओ, हम अगर बाइसेक्सुअल होते ना तो हमारा तो बॉयफ्रेंड भी होता और गर्लफ्रेंड भी होती। ऐसे नहीं होता है लो। तो फिर बताओ। अच्छा हमको थोड़ा सा बताओ, पर पूरा समझ नहीं आया अभी। मम्मी यार तुम तो फुल मसाला हो। अच्छा ठीक है, देखो बाइसेक्सुअल में मैंने क्या क्या बताया अभी तक आपको? मैंने कहा था कि लड़का लड़की, लड़की लड़की, अपने बच्चों की सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को समझने की कोशिश करें, उन्हें सपोर्ट करें। और बिल्कुल वैसे ही हमें, मेरा मतलब कंटेंट का कीड़ा को भी सपोर्ट करें। यस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।